वो तो वहाँ बम बना रहा था अच्छा। अंदर में, तो वो पुलिस वाले सब लेके गए हैं यहाँ से अंदर में। अच्छा हाँ, रात में सब लेके गए हैं, पूरा कर दिए हैं। हाँ, हम लोग हटा दिए हैं सब। अच्छा, हटा तो? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अयोध्या की खबरों में, अयोध्या न्यूज स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो खबर है काफी ही दर्दनाक घटना हुई है। आज हम मौजूद हैं पगला भारी में, जो कि घटना हुई है यहाँ पर, ब्लास्ट हुआ है। अब वो ब्लास्ट कैसा हुआ आप लोग देख सकते हैं, जो घर की स्थिति आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं हम। आप देख सकते हैं इतना मजबूती से बनाया हुआ घर कैसे बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। यहाँ पर कितने लोगों की छत पहुँची है, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कि लोग कई बच्चे झुलस गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा यहाँ की जो बीमें इतनी मजबूती से बनाई गई थी, आप देख सकते हैं वो सारी बीमें ढह गई हैं। ऊपर से लेके दो फ्लोर पूरा ढह गया है, और यहाँ को 3 से 4 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और 2 लोगों की जान भी गई है। बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं इस जो ब्लास्ट का पूरा मामला हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद भी हैं। गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, गांव के लोग बिल्कुल दुखी हैं। ऐसी जो हादसा हुआ हुआ है, हमारे सामने कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या है, कैसे पूरी घटना क्या हुआ। माता जी क्या हम कहो बताई भैया जवान भाई की आयन देखा थे यहाँ सब कहन की गैस दगत बाय अच्छा बरत बाय और दगा गोला बंदूक से वो सब देखा था कि कपड़ा लता दगा गैस बाए। गैस दगी है तो गैस कहीं निकली है दगी हुई है। अरे बरत ना बरत ना अच्छा। अरे तोरा सब के गैस हुए कपड़ा लता बरत घर द्वार बरत अमा कुछ बरत बाय देखत है गैस नहीं मिली है इसका मतलब वाह गैस ऊपर निशान बाय बारूद के निशान हुआ बाटे दीवार में। अच्छा अच्छा तो चलिए तो आप लोग यहां देख सकती हैं महिलाएं कह रही हैं, कुछ लोग कहना है गैस जिनके यहां ये हादसा हुआ है यहां पर कह रहे हैं गैस का ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यहां पर बारूद का ब्लास्ट हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल लाइव ये जो हादसा हुआ है, बहुत ही आप देख सकते हैं जिसमें आशंका बताई जा रही कि क्या हो सकता मामला, जैसे हम बात करेंगे पूरी और जानने कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं गैस ऊपर आप दिख रहा होगा, गैस वहां रखी हुई है। कुछ लोगों का आरोप था कि गैस से ब्लास्ट हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं किस चीज से, और आप देख रहे हैं वहां पर दीवार पे सब लोग गांव वाले कह रहे हैं बारूद का निशान है। तो आप लोग देख सकते हैं बारूद कैसे कहां से इस टाइम ना कोई हम कह सकते हैं दिवाली में लोग पड़ाके बारूद लाते हैं, लेकिन आज इस सीजन में कौन सा क्या था कि इनके घर में बारूद कैसे आया। आप देख रहे हैं, देख सकते हैं जो दर्दनाक मंजर आपको दिख रहा है, कैसे घर बनाया जाता है एक एक ईंट जोड़ के और कितनी मजबूती से तरीके से, और आप देख रहे हैं और ये पूरा घर, और यहाँ पर देखिए कई लोग भी आए हैं और भी वीडियो बना रहे हैं जो लोग सुन पा रहे हैं दूर दूर से काफी ब्लॉगर, और एक हमारे सामने देखिए है बिल्कुल परेशान है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो वहाँ बम बना रहा था अच्छा। अंदर में, तो वो पुलिस वाले सब लेके गए हैं यहाँ से अंदर में। अच्छा हाँ, रात में सब लेके गए हैं, पूरा कर दिए हैं। हाँ, हम लोग हटा दिए हैं सब। आप कौन है भैया? क्या गाँव के है? अच्छा गाँव के है। तो एक बिटिया की जान भी गई है ना, और कितने लोग जान गई है? 2 उनकी माँ की गई है, उसकी बिटिया गई है, अभी उनकी औरत उनका लड़का कैसे परेशान है कोई बता नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब 4-5 लोग हाल एकदम सीरियस है मामला। तो देख सकते हैं सब गांव के हैं और बता रहे हैं इतनी दर्दनाक घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? गांव वाले कहता है कि हमें सबका भगा दी नहीं और कहीं जाना है, अब फिर बम दगे तो एक अपना जो गिरा बाट है एक सीढ़ी लगा के सब गिरवा गिरवा के ले जा गांजे यहाँ। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन हमें इंसाफ दिलाया और कुछ नहीं चाहिए, प्रशासन इंसाफ दिलाया। सिलेंडर के बारे में जो कह रहा है उसको हम नहीं मानते हैं, सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं दगा है, सिलेंडर नहीं दगा है उनके मारोत्तम के घर में। बिटिया आपकी थी क्या? बिटिया नहीं थी, हमारी रिश्तेदार थी, हमारी बहन की लड़की है। अच्छा जी, देख सकते हैं और रिश्तेदार लोग। कितनी कितनी उम्र थी बिटिया की? बिटिया की 20 साल हो चुकी थी, साथ भी है। 20 साल की बिटिया मारी गई इस ब्लास्ट में, उस बेचारी का क्या दोष था? इसमें बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर घटना हुई है निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो।
माता जी क्या हुआ था? मैं यहीं बैठी थी और लड़की आई थी स्कूटरी लेके, और स्कूटरी लेके आई थी और यहाँ गई अंदर और मैं बैठी थी। इतने में वो सब अंदर रहे और इतने में फट बड़े जोर से दगा, तो मैं सोची मेरी भैंस टूट टूट भगी, तो मैंने कहा क्या हुआ ये, तो देखी तो ये सारे धुआं धुआं आग से निकली। हाँ, और लड़की भागने का थी कोशिश, फिर नहीं भाग सकती। पूरा गांव हिल गया था। हाँ, पूरा गांव हिल गया था, चौराहे तक खेत हिल गया। अच्छा, पूरा चौराहा। हाँ, पूरा चौराहा, पूरा खेत हिल गया सब जी। तो देखिए गांव के हैं, यहीं पर मौजूद थे उस वक्त आप। हम तो चौराहे थे। अच्छा, चौराहे। हाँ, वहाँ पे हिल गया, तब हम भाग के आए। अच्छा। अपने बच्चों के हिलने के लिए। कितने बजे घटना है ये? तीन वो। चार बजे शाम की। अच्छा, चार बजे की घटना है कल शाम की। आप देख रहे हैं पूरा माहौल, और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी आए थे और कुछ आके चले गए हैं। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और वीडियो में बने रहिए, हम पूरी जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। का हुआ दगा, अब कैसे दगा, क्या चीज था जी? धमाके की आवाज कितनी थी? बहुत तेज थी, बहुत तेज। पूरा ऐसा गांव हिल गया, हिल गया था। जहाँ बैठे थे घर पर हिल गया था। अच्छा, हाँ, यहाँ से वर्कशॉप तक हिला है। अच्छा, यहाँ से वर्कशॉप तक, तो पीछे अभी आप रोड पे एक वर्कशॉप है। गांव वालों का कहना है कि वर्कशॉप तक ये धमाका बिल्कुल पूरी तरह से धरती हिल गई थी 3 किलोमीटर के अंदर में। तो आप समझ सकते हैं, और बिल्कुल नजारा देख रहे हैं, इतना देख सकते हैं कैसे क्षति हुई है। घर पूरा 2 मंजिला घर ढह गया है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ धमाका बहुत तेजी से हुआ है। एक बच्ची की भी जान गई है, एक महिला की भी शायद जान गई है, गांव वाले महिला की जान भी गई है क्या? साहब पता नहीं, हमका पता नहीं ना, हम तो ना। बच्ची किसकी थी? बच्ची हमारे सारा रिश्तेदार। अच्छा, आपकी भतीजी थी जो बिटिया इसमें मारी गई में। तो कैसे यहाँ क्या करने आई थी? आटा आना। अच्छा, यहाँ चक्की भी है। तो आप देख सकते हैं चक्की भी इनके यहाँ चलती है। बिटिया एक आई थी, गाँव की ही थी, आटा लेने, और उसी ब्लास्ट में बिटिया भी मारी गई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ का पूरा मामला वीडियो में बने रहिए, और चलिए हम दिखाते हैं, और भी गांव के लोग कुछ हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला कैसे क्या हुआ। और देखिए कुछ लोग भाग रहे हैं वीडियो के सामने, तो रुकना नहीं चाहते हैं आज के टाइम में। माइक देख के सब, क्या नाम भैया आपका? तो भैया देख रही है, भैया बोलना नहीं चाहते। सर क्या कुछ यहाँ पता चला? हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी सुबह पूरा कलंदर साहब ड्यूटी पे 9 बजे जी हमको यहाँ भेजा गया। अच्छा, यहाँ भेजा गया, अभी कुछ जानकारी नहीं लगी कैसे किया, प्रक्रिया क्या चल रही है, प्रक्रिया कार्यवाही क्या आगे कैसे, कौन कार्रवाई? वही यशु साहब आए थे और फोर्सेस वाली टीम आई थी। अच्छा। अपना चेकअप करके गए। एसडीएम की टीम? उनको हम नहीं आए थे, वो नहीं आए थे। अभी एसडीएम की टीम नहीं आई, आज नहीं आए थे, कल आए हुए अलग बात। तो देख सकते हैं यहाँ पर एसओ साहब भी आए थे, यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं अभी यहाँ से गए हैं। उसके बाद तो यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है, यहाँ के काफी बगल के पड़ोसी थे और गरीब हैं, बहुत बड़े आदमी नहीं है। उनका घर आप देख सकते हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी छत हुई है, उनका जो टीना छप्पर छाया गया था बिल्कुल टूट गया है, दीवारें टूट गई है, और इसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हमारे छत गिर गई, लेटरिंग उड़ गई, और चद्दर वाला मकान गिर गया, बच्चे मरने से बच गए, 3 लोग इसमें 2 लोग एक्सपायर हो गए, 3 लोग झुलस गए हैं सर। बहुत बड़ी घटना हो गई है, इस पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक कोई यहाँ पर आया जांच पड़ताल करने? वो शाम को आए थे, चले गए हैं। अच्छा, बस शाम को आए थे सब लोग, उसके बाद चले गए हैं, बाकी कोई नहीं आया है। तो यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई है, और बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं घर सामने वाला घर है, बाउंड्री थी, दीवार देख सकते हैं पूरी तरह से फट गया है, और उस सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, देख सकते हैं जो बस है, स्कूली बस है, उसका शीशा भी चटक गया है, बिल्कुल वहां खड़ी हुई है, और यहाँ घर का शीशा ये देख सकते हैं, सामने दीवार भी बिल्कुल चटक गई है। भैया दीवार भी चटक गई, भैया बता रहे हैं
क्या क्या नुकसान हुआ? शीशा फूटा है, अंदर मकान भी टूटा है जी। उसके बाद जो है दीवार फट गई है जी जी, कम से कम 20 फुट दीवार देखिए नीचे। अंदर लास्ट जो सामने हुआ उसकी वजह से कैसे क्षति हुई है आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर यहाँ पर कोई लेटा होता, अगर शीशा धंस जाता तो क्या होता, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल कैसे फट गया है दीवार पूरी फट गई है, दीवार फट गई है। सामने का घर है, इतना बड़ा धमाका था आप कह सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई बैठा होता तो हो सकता था उसके शीशे धंस जाते, इतने इतने शीशे जब जिसके धंसते वो क्या हो सकता था, आप देख रहे हैं